गोरखनाथ एक बार गए रैदास के पास। रैदास अपनी मस्ती में अपने पात्र में चमड़े को फुलाए हुए थे और कुछ सिलाई कर रहे थे जूते की। गोरखनाथ गए और उनका काम था भिक्षामदेही अलक निरंजन, मस्ती में गए थे। रैदास भी मस्ती में थे, वो जो चमड़े फुलाए हुए थे पानी में वही पानी निकाला और कमंडलों में डाल दिया। पर गोरखनाथ जानते तो हैं कि रैदास बड़े संत हैं, फिर भी बोले यार बुद्धि जैसी की तैसी रह गई और उन्होंने कुछ कहा नहीं, चले गए। बड़ी आत्मीयता थी, बड़ा सम्मान था दोनों का और पहुंच गए कबीर के यहाँ। क्या मस्ती है। तो कबीर नहीं थे घर पे अपने आश्रम में, उनकी बेटी थी कमाली। बोले अरे गोरख चाचा आप आए हो, आइए आइए। कहा बेटी वो कुछ दे भिक्षा दे। वो कुछ लाई देने को तो बोला इसमें जल है, बोला ये तू ले ले, दे के पीछा छुड़ा लिया। अब बात आई गई हो गई, बरसों गुजर गए। तब भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सब एक ही होगा, आपको भी पता होगा, मुल्तान रावलपिंडी सब यही था। तो गोरखनाथ इतने सिद्ध योगी थे कि जो पात्र था उनके पास आज तक उस पात्र को कोई भर नहीं पाया। पात्र था इतना ही बड़ा, एक मैया निकली और एक मुट्ठी चावल डाला और भर गया। गोरखनाथ घबराए, ऐसा कौन पैदा हो गया हिंदुस्तान में मेरी कमंडलों को भर देने वाला। पूछा तुम हो कौन, बोला गोरख चाचा पहचाने नहीं। बोला चाचा, बोला मैं कबीर की बेटी कमाली, मेरा विवाह मुल्तान में हुआ है, मैं तो आपको पहचान गया। बोला तेरे पास इतनी बड़ी सिद्धि कहां से आ गई। इस पूरे भारत की भूमि पर गोरख के इस पात्र को भरने वाला कोई भी योग्य व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ, तू कहां से आ गया। तो कमाली मुस्कुराते हुए कहती है चाचा आप भी कैसे करते हो, ये तो आप ही का कमाल है। बोला मेरा क्या कमाल, आपने उस दिन जो जल दिया था मुझे उस जल के पान करने के बाद मेरे हाथों में तो अन्नपूर्णा बसती है, जहां हाथ लगा देती हूँ वहां समृद्धि आ जाती है। भागा गोरखनाथ, पहुंचे रैदास के पास, फिर कहा भिक्षाम देही। आज रैदास फिर उसी मस्ती में थे, फिर सिलाई चल रही थी और तब रैदास ने बड़ी प्यारी बात कही, जब दिया तब पिया नहीं, जब दिया तब पिया नहीं, समझ गए अपमान, अब यहाँ क्या ढूंढे रे गोरख, वो पानी पहुँच गई मुल्तान, वो पानी पहुँच गई गोरखनाथ कोई साधारण योगी थोड़ी थे, समझदार थे। समझ गए।